Hey guys, you're most welcome in my new series that is Night Pill for the Engineer. आप में से एक बच्चे ने पूछा कि अगर पेट्रोल को एज अ फ्यूल डीजल इंजन में डाला जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी. तो इसका पूरा का पूरा जो रिलेशन है वो बेसिकली आपका फ्लैश पॉइंट से है. फ्लैश पॉइंट बेसिकली वो मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसपे जो फ्यूल है उसका वेपर रेडी रहता है इग्निशन के लिए. लाइक थोड़ा सा भी आप सोर्स दोगे, स्पार्क डेवलप करोगे तो इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा. अब पेट्रोल का ये होता है लो और डीजल का होता है हाई. तो यहाँ पर आप खुद सोच के देखो, पेट्रोल को अगर डीजल इंजन में डालोगे तो इसका कंप्रेशन रेशियो हाई रखा जाता है क्योंकि डीजल का आपका फ्लैश पॉइंट हाई है. तो यहाँ पर आपका इस तरीके से कंप्रेशन हो ही रहा होगा, क्या होगा, पहले ही बर्न हो जाएगा पेट्रोल जस्ट बिकॉज ऑफ द लो फ्लैश पॉइंट. तो यहाँ पर इनकम्प्लीट आपको यहाँ पर कंप्रेशन देखने को मिलेगा और आपको तुरंत यहाँ पर पावर स्ट्रोक मिल जाएगी जिसकी वजह से क्या होगा, नॉइज डेवलप होगी, नॉकिंग होगी, डेटोनेशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा और कई बार आपका क्या होता है गाड़ी से धुआं भी निकलने लगता है और पूरा इंजन हो जाता है आपका डैमेज. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए. थैंक यू.